आपने आज तक फिल्मों और टीवी सीरियल्स में ही लोगों को मारने के कई तरीके देखे होंगे, जहां मारने के लिए कई खौफनाक साजिश रची जाती है ताकि हत्या का सुराग ना मिले। ऐसी ही एक खौफनाक साजिश इंदौर में भी रची गई, जो आपके होश उड़ा देगी। इंदौर में एक बैंक अफसर ने अपनी पत्नी की हत्या की, लेकिन उससे पहले उसने अपनी बहन और पिता के साथ मिलकर एक साजिश रची। बैंक अफसर अमितेश पटेरिया ने अपनी पत्नी शिवानी पटेरिया को रास्ते से हटाने के लिए राजस्थान के अलवर से 5,000 रुपए का एक ब्लैक कोबरा खरीदा। इसे कुछ दिनों तक अपने घर की अलमारी में रखा। फिर अपनी बहन ऋचा और पिता ओम प्रकाश के साथ मिलकर तकिए से अपनी पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी। इसके बाद उसके हाथ पर सांप से कटवाया और फिर सांप को ही मारकर कमरे में ही पटक दिया। इस हत्या को सांप के काटने से हुई मौत बनाने की कोशिश की गई, लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो सच सामने आया। ये एक शिवानी करके महिला थी, जिसके पति ने, जिसका नाम अमितेश चौरसिया है, इसने थाना कनाड़िया पे मतलब पता चला था, सूचना मिली थी अस्पताल से कि शिवानी को सांप के काटने से मृत्यु हो गई है, जिसको कि अस्पताल लाया गया है। इस सूचना पे मर कायम किया जाकर जांच की गई थी। जांच में ऐसा पता चला था कि दोनों पति पत्नी के बीच में मनमुटाव काफ़ी समय से चल रहा था और घटनास्थल को संदिग्ध नज़र आया था। इस कारण उसकी जांच जो हमारे TI कनाड़िया हैं उन्होंने स्वयं करी थी, और उसमें काफ़ी बारीकी से जब स्पॉट विजिट किया गया और उसका FSL का विजिट कराया गया, तो ये बात भी सामने स्पॉट देखने के बाद लग रही थी, कुछ स्ट्रगल के निशान भी वहाँ नज़र आ रहे थे। प्रथम दृष्टिया ऐसा प्रतीत हो रहा था कि घटना संदिग्ध है। ऐसी स्थिति में उसका जब बारीकी से जांच की गई तो इसकी दोनों पति पत्नी के रिलेशन में काफ़ी तनाव था, और इसका पति जो कि दिल्ली में काम करता था पिछले 5-1 दिन से ही लौट के आया था, और वो इस अपनी पत्नी से छुटकारा चाहता था। आपको बता दें कि ये पूरा मामला है इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र के संचार निगम एक्सटेंशन का। पति अमितेश के कबूलनामे के आधार पर कनाड़िया पुलिस ने उसके पिता ओम प्रकाश पटेरिया और बहन ऋचा चतुर्वेदी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर से न्यूज़ के लिए शाबाज खान की रिपोर्ट।